वेबसाइट को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे एड्स हैं और ये बिल्कुल लाइट नहीं है, यानी कि गूगल एडसेंस है, बहुत सारे इमेजेस हैं, लेकिन उसके बाद भी जो वेबसाइट की स्पीड आ रही है दैट इज इनसेन। यानी कि हम 100 out of 100 कर लिए और इस पे जो है एडसेंस भी इनेबल्ड है, एड्स भी लोड हो रहे हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैजिक यानी कि जादू। अब इस चैनल पे ये टेक्निकल चीजें नहीं होंगी, यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, ये सारी चीजें हम नहीं सीख कर हम मैजिक सीखेंगे। एक ऐसा मैजिक जिससे आप अपनी वेबसाइट का स्पीड 100 out of 100 कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे बंदा जादू तो नहीं लेकिन जोक जरूर मार रहा है। नहीं भाई, जोक नहीं है। आप एक क्लिक में अपनी वेबसाइट का स्पीड 100 out of 100 कर लेंगे अगर आप मेरे सारे रूल्स को मानते हैं तो। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करनी होती है तो बहुत बार WP रॉकेट और ये सब प्लगइन्स जो इंस्टॉल करके आप बहुत सारे सेटिंग्स को करते हो कि मेरी वेबसाइट पे कौन सा काम कर रहा है, कौन सी सेटिंग ऑन करनी चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा आप टाइम देते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फाइल देने वाला हूँ जिसे आप अपलोड करके एक क्लिक में अपनी वेबसाइट की स्पीड 100 out of 100 करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको एक लाइव वेबसाइट पे करके दिखाऊंगा जिस पे एड्स आ रही हैं, यानी कि गूगल का एडसेंस है और हैवी वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट नहीं है। और ये चीज़ें आज हम करके देखेंगे और बहुत कम समय में देखेंगे। वीडियो का लेंथ बहुत छोटा होने वाला है, थोड़ी बड़ी होगी एक्सप्लेनेशन में, लेकिन स्पीड ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो रेडी हैं आप जादू के लिए? अगर रेडी हैं तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जहां पे ये चीजें आज हम सीखेंगे। ऑलराइट, आपके स्क्रीन पे अभी एक वेबसाइट है nursingcareplan.us, यानी कि एक वेबसाइट है जो यूएस की है, यूएस की क्लाइंट है। एंड सी शेड मी कि अगर आप इस वेबसाइट का स्पीड नियरली 100 कर देते हो तो हम आपको $100 पे करेंगे, यानी कि आप जितना आप कर दिए उतना हम आपको पे करेंगे। बाय द वे, डॉलर्स के रेट बढ़े हुए हैं तो आई नो आप ब्लॉगर्स बहुत छाप रहे हो, बट सेम टाइम यार इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रीजन है ये डॉलर्स के रेट बढ़ना, ठीक है? तो अभी के लिए इस वेबसाइट का अगर स्टैट्स हम देखें तो यहाँ पे 46 आ रहा है और डेस्कटॉप के लिए 90 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो चैलेंज तो है क्योंकि इस वेबसाइट पे एड्स आ रही हैं, गूगल एडसेंस है, देखिए मल्टीपल एड्स यहाँ पे लोड हो रही है और वेबसाइट जनरेट प्रेस पे बिल्ड है, दैट इज ओके। और वेबसाइट अभी क्लाउड बेस्ड होस्टिंग यूज कर रहा है, यानी कि होस्टिंग में तो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। जनरेट प्रेस ये भी एक अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी इनकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक बार और हम एनालाइज करते हैं एंड लेट्स सी द स्कोर। जब तक स्कोर लोड होता है हम आ जाते हैं यहाँ पे और चलते हैं हम डैशबोर्ड में कुछ सेटिंग्स को देखते हैं, जैसे कि क्या प्लगइन्स ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अननेसेसरी प्लगइन भी हमारी वेबसाइट को स्लो करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अभी भी लोड हो रहा है, यस 47 का रिजल्ट है और डेस्कटॉप पे 93। समटाइम इट्स फ्लक्चुएट्स बट यहाँ पे बहुत सारे एरर्स हैं विच इज मेकिंग द वेबसाइट कम्प्लीटली स्लोअर। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फाइल देने वाला हूँ, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गेम चेंजिंग वीडियो है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। जो ये फाइल मैं आपको देने वाला हूँ ये एक क्लिक में जैसे आप अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट करेंगे उसके बाद आपको R&D करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सेटिंग ऑन करूँ, कौन सा ऑफ रखूँ। दिस सेटिंग विल इंपोर्ट ऑल द रिक्वायर्ड सेटिंग, रिक्वायर्ड थिंग्स, जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। सो बहुत बात हो गया, यहाँ पे प्लगइन्स हम देखें तो बहुत सारे प्लगइन इन्होंने नहीं इंस्टॉल कर रखे हैं। WP वर्डप्रेस में अगर यहाँ पे हम देखें तो 404-2301 रीडायरेक्शन का एक प्लगइन है और रैंक मैथ है, रैंक मैथ प्रो है तो इसमें रीडायरेक्शन का ऑप्शन ऑलरेडी होता है, तो ये प्लगइन इनको यूज़ करने की जरूरत नहीं थी। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ यूजिंग इट। उसके बाद भी अगर नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे शैशी सोशल शेयर इन्होंने यूज़ कर रखा है, यानी कि सोशल शेयर के लिए इन्होंने एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। भाई ये चीज़ हम बिना प्लगइन का कर सकते हैं, मैंने इस वाले वीडियो में बताया कि कैसे ये चीज़ आप कुछ लाइन के कोड से कर सकते हैं, तो ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम कर देंगे डीएक्टिवेट। मैं क्लाइंट्स को ये वाली चीज़ मैं बिना प्लगइन का करके दे सकता हूँ, इवन आप भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट से हमने एक फालतू प्लगइन हटा दिया, बाकी और चीज़ें तो कुछ इतना अननेसेसरी नहीं लग रही हैं। अभी के लिए हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू पे और एक इंस्टॉल करते हैं प्लगइन, यानी कि एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, दैट इज WP रॉकेट। WP रॉकेट यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपलोड कर रहे हैं। आई नो WP रॉकेट बहुत लोग यूज़ कर रहे होंगे, जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक हम गूगल पे सर्च करते हैं WP रॉकेट और इस प्लगइन के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा डिटेल चेक करेंगे कैसा ये प्लगइन है। आई नो बहुत लोगों को पता होगा, देखिए अगर होम पेज पे हम यहाँ पे देखें तो ये बता रहे हैं कि कैसे हमारा प्लगइन कितना बेटर है, कुछ टेस्टिमोनियल है। और अगर इनकी प्राइसिंग की बात करा जाए तो प्राइसिंग यार देखो बहुत कॉस्टली है, $49 ईयर, जो कि इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपको बाय कहाँ से करना है, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है? तो यहाँ पे $49 और ठीक है, अभी के लिए हम इस वेबसाइट को बंद करते हैं। अगर आपको बाय करना है तो यहाँ से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं टू सपोर्ट देम, बट अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि कैसे ये आपको मिलेगा बेस्ट प्राइस में। ऑलराइट, इसको हम क्लोज करते हैं।
प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, इसे हम करेंगे एक्टिवेट। ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करने के बाद आपको अगला जो स्टेप करना है वो आपका माइंड ब्लो कर देगा, यानी कि एक क्लिक में आपकी वेबसाइट की स्पीड गॉड लेवल पे चली जाएगी। तो यहाँ पे WP Rocket इंस्टॉल हो गया, हम इसे कर लेंगे अपडेट। ठीक है, अपडेट अभी के लिए मैं कर लेता हूँ। देखो, जब भी प्लगइन आप कहीं से बाय करें, अगर उस पर अपडेट आ रहे हैं इसका मतलब वो ओरिजिनल है, अगर अपडेट नहीं आ रहे हैं तो वो GPL या फिर नल्ड होगा। तो कभी भी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो WP Rocket कैशिंग वाली जो प्लगइन होती है उसका ऑटो अपडेट कभी भी इनेबल नहीं होता है, यूज़र के परमिशन से ही वो इनेबल होता है। तो ये मत सोचो कि यार इसका ऑटो इनेबल ऑटो अपडेट देखो यहाँ पे डिजेबल है तो ये प्लगइन नल्ड है या फिर GPL है, ये ओरिजिनल है। यहाँ पे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा प्लगइन अभी इंपोर्ट अपडेट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अगर देखें तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं, और इसे आप करने बैठो तो दो घंटे तीन घंटे आपको देने पड़ेंगे, और अपनी वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा सेटिंग मेरे लिए काम कर रहा है, और आपका दिमाग पागल हो जाएगा। सो इसका शॉर्टकट ये है मेरे भाई, यहाँ पे आना है आपको टूल में, और टूल में आने के बाद आपको एक JSON फाइल मिलेगी। JSON फाइल को आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर देना है। देखिए JSON फाइल अभी यहाँ पे है, इसे मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट। जब तक ये इंपोर्ट होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे JSON फाइल, ये देखो इंपोर्ट भी हो गया, यानी कि इंपोर्ट हमारा काम हो गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब इससे रिफ्रेश करें या रीएनालाइज पे क्लिक करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कहाँ तक पहुँची। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये JSON फाइल आपको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। मैंने सोचा था कि इस फाइल को मैं पेड रखूँगा क्योंकि बहुत R&D के बाद यहाँ तक हम पहुँचे, इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने पे, इतना ज़्यादा हमने टाइम रखा है, इस JSON फाइल को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय रखा है। लेकिन फिर भी आई थॉट क्यों ना इसे आपको फ्री में दिया जाए। अभी के लिए 86 आ रहा है स्कोर, लेकिन हम इसे 100 करेंगे, कैसे करेंगे इस वीडियो में आप देखेंगे। ऑलराइट, अभी के लिए हम रीएनालाइज पे क्लिक करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है समटाइम रिफ्लेक्ट होने में चीज़ें। ठीक है, तो अभी जब तक ये रीएनालाइज हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा है, देखो 3 डिजिट का ये कोड है। इस तरह से आपको पूरी वीडियो में 3 जगह पे और यानी कि 12 डिजिट का आपको कोड मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना है, नेम, ईमेल और ये कोड एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे आपको एक मेल आएगा, और वहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे एक जिप फाइल मिलेगी, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये JSON फाइल आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए देखिए यहाँ पे स्कोर तो 86 आ रहा है, तो ऐसा क्या इशू हो गया? मैं तो बोल रहा था भाई हम 100 out of 100 कर देंगे। चलो थोड़ी चीज़ें और देखते हैं, जैसे कि क्या प्रॉब्लम है। एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज का एरर है, और यहाँ पे अनयूज CSS का एरर है, यानी कि FCP का एरर आ रहा है, फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट। ठीक है, और डेस्कटॉप पे जाएं तो 99 स्कोर आ रहा है, यानी कि हमने कुछ हद तक काम तो कर दिया भाई। अब हम आ जाते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हो गई। सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक प्लगइन और इंस्टॉल करते हैं, बहुत छोटी सी प्लगइन जो बहुत सारे रिक्वेस्ट को कम कर देती है। ये भी काफ़ी मैजिकल प्लगइन है, एंड आई नो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो कि फ्री प्लगइन है, OMGF, यानी कि ओ माय गॉड फॉन्ट। ठीक है, इसे हम ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, इसे हम इंस्टॉल करेंगे, OMGF। जैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे ये चीज़ हमें एक्टिवेट करना है। ये प्लगइन क्या करता है, बहुत सारे रिक्वेस्ट को ऑफलाइन कर देता है, ऑफलोड कर देता है। यानी कि लेट्स से कि आप बहुत सारे फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं जिसके लिए रिक्वेस्ट जा रही है गूगल फॉन्ट्स पे, बहुत सारे प्लगइन की रिक्वेस्ट उनकी वेबसाइट पे जा रही है, तो वो सारी चीज़ें ये उठा के आपको अपने सर्वर पे दे देता है। ऑलराइट, तो हम इसे करेंगे एक्टिवेट, जो कि फ्री प्लगइन है, इसे हम एक्टिवेट कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम टू एक्टिवेट थैंक्स टू माय इंटरनेट। एंड अब यहाँ पे देखिए OMGF यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब हम आ जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे इनके डैशबोर्ड में, यानी कि OMGF के डैशबोर्ड में। एकदम नीचे आपको आ जाना है, कोई सेटिंग नहीं करना है, सेव एंड ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है। ये डिफॉल्ट सेटिंग इनका बहुत अमेजिंग है, आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे हम WP Rocket पे माउस ओवर करेंगे और क्लियर कैश पे क्लिक करेंगे। जब भी आप कोई भी चेंजेस करें क्लियर कैश करें, उसके बाद आ जाएं आप यहाँ पे रीएनालाइज करें। ठीक है, रीएनालाइज करेंगे हम, ये सेटिंग रिफ्लेक्ट होने में पेज इनसाइट्स पे थोड़ा सा समय लगता है, तो 2-3 टेस्ट कर लिया करो, एंड दूसरे तीसरे बार जो रिजल्ट आपको फाइनल आ रहा है दैट इज फाइनल रिजल्ट। एंड यहाँ पे देखिए 100 का स्कोर आ गया। ठीक है, एंड डेस्कटॉप पे जो स्कोर आ रहा है दैट इज ऑल्सो 100। मैं फिर से यहाँ पे रीएनालाइज कर देता हूँ, वेबसाइट अभी लाइव है, आप जाइए और इसे चेक करिए। वेबसाइट को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे एड्स हैं, और ये बिल्कुल लाइट नहीं है, यानी कि गूगल एडसेंस है, बहुत सारे इमेजेस हैं, लेकिन उसके बाद भी जो वेबसाइट की स्पीड आ रही है दैट इज इनसेन। यानी कि हम 100 out of 100 कर लिए, और इस पे जो है एडसेंस भी इनेबल्ड है, एड्स भी लोड हो रहे हैं, और मोबाइल पे जो स्पीड आ रही है दैट इज ऑल्सो 100। सो है ना ये मैजिकल। अगर ये चीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, ताकि ऐसी ही मैजिकल चीज़ें, इसे जादू ही बोलेंगे, क्योंकि हमने 1 घंटे वाला काम 1 से 2 मिनट में कर लिया। अगर मुझे आपको समझाना नहीं रहता तो 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी थी, ये वेबसाइट की स्पीड ऐसे चुटकी में ऑप्टिमाइज हो जाती।
अब यहाँ पे देखो, जो 10 चीज़ें करनी थी, 50 चीज़ें करनी थी, वो हम क्या किए, WP रॉकेट में गए, हमारा सेटिंग इंपोर्ट किए, उस सेटिंग में जो भी चीज़ें, जो भी एल्गोरिदम, जो भी कोड लिखी हुई थी, उसके हिसाब से हमारा सब सेटिंग हो गया है। यहाँ पे मैन्युअली आके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, हमने क्या किया, टूल में आया और यहाँ पे चूज फाइल किया और हमने क्या किया, अपना जेसन इंपोर्ट किया और यहाँ इस बटन पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट। और दूसरा प्लगइन हमने इंस्टॉल किया, OMGF, यानी कि ओ माय गॉड फॉन्ट, आई डोंट नो द फुल फॉर्म, बट ये फॉन्ट्स को ऑफलोड करता है। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता है, ठीक है। आपको वीडियो में देखो कोड तो मिल रही होंगी, आई थिंक टोटल 12 डिजिट की कोड है। ये 12 डिजिट का कोड आपको ले जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और ये चीज़ डालना है, आपको ये डाउनलोड फाइल यानी कि इसका लिंक आपको मिल जाएगा आपके ईमेल पे। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एक ट्विक है, एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मुझे बतानी है। ये वेबसाइट यूज कर रहा है क्लाउडवेज का सर्वर, ये सेटिंग हर जगह पे काम नहीं करती है। यानी कि ये सोचिए कि मैं 250 वाला होस्टिंग यूज करूँगा और इस बंदे का ये जेसन फाइल इंपोर्ट कर दूंगा और मेरी वेबसाइट रॉकेट की तरह हो जाएगी, भाई तेरी गलत फहमी है, ऐसे नहीं होता है। आपकी वेबसाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस सर्वर में इन्वेस्ट कर रहे हो। इस सर्वर में आके आपको एक सेटिंग इनेबल करनी है। क्या करनी है, सर्वर पे आना है और यहाँ पे आना है मैनेज सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे मैनेज सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इतनी सारी सेटिंग है, यहाँ पे क्या क्या इनेबल होना चाहिए। सबसे पहले देखिए मीम कैस्ट यहाँ पे इनेबल होना चाहिए, यानी कि ये ऑन होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। और यहाँ पे रेडिस कैश इनेबल होना चाहिए। रेडिस क्या करता है, आपकी वेबसाइट के ऑब्जेक्ट्स को यानी कि डेटा को ऑफलोड कर देता है, यानी कि कुकीज एज अ कुकीज में ब्राउजर पे रख देता है, तो ये आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करती है। उसके बाद आपको करना है वार्निश को इनेबल, यानी कि ये भी चीज़ रनिंग होना चाहिए, ये डिजेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। ये चीज़ आपका एज इट इज़ होना चाहिए। एंड साथ में आपको WP रॉकेट का ये चीज़ इंस्टॉल करना है, जैसे मैंने किया सेम आप फॉलो कर लेना। और रही बात क्लाउडवेज की, तो क्लाउडवेज एक ऐसा होस्टिंग है, होस्टिंग मैं बोलूंगा ही नहीं, एक ऐसा क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करता है जिसपे आप $10 के होस्टिंग में आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। फ्री SSL है, लाइव चैट 24/7 का है, एंड स्पीड तो आप देख ही रहे हैं, यानी कि ये एक क्लाउड सर्वर है, शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, नो डाउन टाइम, और आपकी वेबसाइट रॉकेट की तरह चलेगी। स्पीड का ये रिजल्ट आप देख ही रहे हो, मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाके इस वेबसाइट की स्पीड खुद जाके चेक कर लेना। एंड अगर ये चीज़ आप कर पा रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो यार वीडियो में आके एक बार थैंक यू बोल के जाना। ये देखो यहाँ पे स्कोर 100/100 आ रहा है। वेबसाइट पे अगर देखा जाए तो अभी भी एड्स वगैरह प्रॉपरली लोड हो रहे हैं। लेट मी शो यू, यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पे एड्स वगैरह आ रहे हैं, तो एड्स रेवेन्यू पे आपका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है और बहुत कुछ आपको मजा आने वाला है। सो आई होप कि आपको सारे कोड्स मिल गए होंगे, आपको क्या करना है, और इस तरह की अगर आपको स्पीड चाहिए तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले थीम आपका जनरेट प्रेस यूज कर लो, जो कि लाइटेस्ट है, क्लाउड बेस्ड यूज कर लो। एंड तीसरी चीज़, WP रॉकेट इज मस्ट। WP रॉकेट इज वन ऑफ द अमेजिंग कैश प्लगइन आई हैव ईवर यूज्ड ऑन एनी वेबसाइट। अब ये क्लाइंट से मेरे को यार $100 लेने हैं, बंदे को मेल कर दूँ। एंड बस यार थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैप्पी ब्लॉगिंग।